हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे गाइस। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। डेक्स पुराने हो जाते हैं ना, तो धुंधले से हो जाते हैं। कौन है भाई? द फूल। आज की एनर्जी में सबसे पहला जो कार्ड आया है आपके पर्सन का, आपके लिए द फूल की एनर्जी है। केयर फ्री हो रहे हैं आपके पर्सन, केयर फ्री की एनर्जी है आपके पर्सन की। साथ ही वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। किसी सिचुएशन से अपना बोरिया बिस्तर लेकर बाहर निकलने की एनर्जी है। मतलब कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से इनका दिल दिमाग बड़ा डिस्टर्ब है। इनको कभी कभी ऐसा मन करता है कि बस हो गया, बहुत हो गया, अब और एक दिन भी नहीं, 1% भी झेलने की शक्ति नहीं है, अब मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, अब मुझे बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए इस सिचुएशन में। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर काफ़ी लोगों के पर्सन की नज़र आ रही है। द फूल का कार्ड क्यों आया है, किस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अपने डर से, अपने फियर से। द चैरियट, अपने फियर पे विजय प्राप्त कर चुके हैं या कर लेंगे बहुत जल्द। यहाँ से बाहर निकलने की एनर्जी देखिए वापस है। इन्होंने रथ उठा लिया है और स्वॉर्ड्स भी उठा लिया है। अब इनको पता है कि इन्हें क्या अपने लाइफ में रखना है, क्या अपने लाइफ से निकाल बाहर करना है। दुखी क्यों हैं आपके पर्सन आज के दिन, इतने शुभ दिन, इतने अच्छे दिन में क्यों दुखी हैं? क्या रीज़न है, क्या कष्ट है आपके पर्सन को? कष्ट तो है, कोई ना कोई कष्ट है। ये देखिए कैसे सर पे हाथ रख कर बैठे हैं। इनको कष्ट है कि ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी इतने दिन से कि ये कोई एक्शन ले सके। सफरिंग में है बहुत ज़्यादा। ये कार्ड देखिए आप किस तरीके का सफरिंग आपके पर्सन झेल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये उस सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर निकलेंगे। और किसकी तरफ बढ़ेंगे ये भी आप देख सकते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। इस रिश्ते में एक एक्शन यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने दो दिन में काफ़ी लोगों को ये बताया है कि बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आएंगे, बहुत सारे लोगों को कॉल्स आएंगे और बहुत सारे लोगों को आए भी हैं इस चैनल पे भी और दूसरे चैनल पर भी। तो जिनको भी मैसेजेस या कॉल्स आज के दिन में रिसीव हुए हैं ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस, किसका किसका यूनियन हुआ है, किसकी किसकी वाइब्रेशन एकदम सातवें आसमान पर है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या इस यूनियन को परमानेंट करेंगे आपके पर्सन? बिल्कुल क्रिएट करना चाहते हैं रियलिटी, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स विद फाइव ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे दूर रहकर ये जान चुके हैं कि आपसे दूर ज़्यादा दिन रह नहीं सकते। इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। इमोशनली ये आपको कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है मैसेज के थ्रू कनेक्ट करें, हो सकता है किसी दोस्त के थ्रू आप तक कोई मैसेज पहुंचाएं, ये भी हो सकता है कि खुद आएं आपसे मिलने के लिए या आपको फ़ोन करके बोलें मुझे मिलना है, मिलकर बात करेंगे। इस तरह की बातें भी आपके साथ हो सकती हैं। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर इस वक्त। सब कार्ड्स मिल जाते हैं गाइस। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है, आ चुके हैं या आने वाले हैं? ये कार्ड अभी आई थिंक एक दो दिन पहले भी आया था, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसमें ये पर्सन की जो स्माइल है ना, बड़ी प्यारी लगती है, ध्यान से देखिए कितनी प्यारी स्माइल है। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आ जाना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा ना इमोशनल ट्रिगर इनको मिल रहा है। इमोशनली आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं,
काफ़ी लोगों के पर्सन हो सकता है कि ये बहुत जल्दी में है कि नहीं, जल्दी से जल्दी मुझे मिलना है क्योंकि ये अब आपसे दूर नहीं रह सकते। तो यहाँ पर पोजेसिवनेस है, यिन एंड यांग बैलेंसिंग की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का डिवाइन फैमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होने वाला है। कई लोगों के साथ हो सकता है कि आपको हार्ट शेप बहुत ज़्यादा दिखे, बहुत ज़्यादा चूड़ी बैंगल इस तरह के आपको सपने आए, या बहुत ज़्यादा आपको फेदर्स अचानक से आपको मिलने लगे। देखिए फेदर्स कहाँ मिल रहे हैं ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम हम पार्क में जाते हैं तो हमें फेदर मिलता है, हम उठा लेते हैं। या जहाँ पर देखिए जहाँ पर बर्ड्स उड़ती हैं वहाँ तो फेदर गिरेगा, इट्स नॉर्मल। लेकिन तब मैटर करता है जब फेदर अगर आपके ऊपर आकर गिर जाए, आपको कहीं से उठाने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर ऐसी जगह आपको फेदर मिले जहाँ पे बर्ड्स का आना जाना नहीं होता है। जैसे कई बार बेडरूम में लोगों को फेदर मिल जाता है, कई बार लोगों के ऑफिस में उनके केबिन में लोगों को फेदर मिलता है। दैट इज़ शॉकिंग, दैट इज़ कि हाँ भाई एंजल्स आपको कैसे रीच आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्लेस पर हैं जहाँ कबूतर उड़ रहे हैं या बर्ड्स उड़ रहे हैं और आपको फेदर मिल रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये हमेशा नोटिस किया कीजिए कि आपको कहाँ मिल रहा है, या आपको ड्रीम्स आ रहे हैं इस तरीके के, तो भी वो बहुत मैटर करता है। वन मोर कार्ड एंजल्स, करेंट फीलिंग्स। डेटिंग एंड कंपैटिबिलिटी का कार्ड है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक, एंड वी हैव डेटिंग कार्ड। तो ये आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ जो कम्फर्ट लेवल है, जो कंपैटिबिलिटी इन्हें फील होती है, वो इन्हें किसी और के साथ फील नहीं होती। बहुत सारे सोलमेट्स, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स, बहुत सारे कार्मिक्स यहाँ पर यूनाइट होते नज़र आ रहे हैं। तो एनर्जी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यारी एनर्जी है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ, आपके पर्सन का अगला स्टेप क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला जो कार्ड आना चाह रहा है वो है न्यू विजन। यहाँ पर स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे आपके पर्सन, जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं वो स्टक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। करेजियस डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत ही कंट्रोलेबल एक्शंस आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव कॉन्शियसनेस, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। इन्होंने काफ़ी टाइम लिया है लेकिन अब ये बहुत क्विकली एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जगलिंग से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें समझ में आ चुका है कि इनको कहाँ बढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है और क्या एक्शन लेना है। वी हैव गॉट सन एनर्जी, तो यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, आपकी तरफ क्लैरिटी देंगे, आपकी कन्फ्यूजन जो भी है इस रिलेशनशिप को लेकर वो कन्फ्यूजन्स दूर होंगी। यहाँ पर लियो एनर्जी बहुत पावरफुल है, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस यहाँ पर बहुत पावरफुल है। फिर हमारे पास एरीज लियो सेजिटेरियस है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई है, एंड वी हैव एरीज लियो सेजिटेरियस अगेन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग, एंड वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड, वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ इस डेक से वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे सभी साइंस हैं गाइस, सभी राशि वालों पर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, और वो भी आने वाले, ये जो एनर्जी है ये मोस्ट प्रॉब्ली कुछ लोगों से एक दिन के अंदर रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों से दो दिन के अंदर रेजोनेट करेगी। एक और दो की एनर्जी है। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है, आप में से कई लोग अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ भी नहीं सकते, और आप अपनी फैमिली के बगैर रहना भी नहीं चाहते, और आपकी फैमिली आपको समझने की कोशिश नहीं कर रही है। ऐसा किसके साथ है कमेंट में ज़रूर बताना। एंजल्स आर टेलिंग यू कि आप इमोशनली अपने आप को मजबूत कीजिए, सिक्योर कीजिए। फैमिली का प्यार भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके पर्सन का प्यार है, तो ऑलवेज़ ट्राई कि पीसफुल रिजोल्यूशन निकले। कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से छुपी हुई है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे कुछ चीज़ें हिडन हैं, तो उन चीज़ों को पता करने की कोशिश करें। फिर हमारे पास है, आपकी विशेस आपको बहुत जल्द मिल सकती हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग खुद ही अपनी विशेस को अपने आप से दूर ढकेल रहे हैं बिकॉज ऑफ योर
जो आप नेगेटिव चीज़ सोचते हैं अपने माइंड में, तो आपकी विशेस पूरी होते होते रह जा रही हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैम सबके कॉल्स आ रहे हैं, यूनियंस के मैसेजेस हैं कमेंट में, बट मेरा क्यों नहीं आ रहा है। तो आप नेगेटिव ना होइए, आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या आप दिन रात इसी वेट में हैं, इसी इंतज़ार में हैं कि आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा। अगर ऐसा है तो आप अपनी जर्नी डीले कर रहे हैं, अपने आप का फोकस पूरा उनके ऊपर से हटा लीजिए। जब आप उनको एनर्जी देंगे ही नहीं तब तो वो आपकी तरफ खींच कर आएंगे ना। जब आप उनको दिन रात एनर्जी सेंड कर रहे हैं तो उनको कोई कमी नहीं है। वी ऑल आर एनर्जी ना, हम सब एनर्जी हैं। जब हमारी बॉडी जल जाती है या दफन हो जाती है या जो भी अलग अलग प्रोसेस है, तो हमारी जो सोल होती है वही ऊपर जाती है। तो एनर्जी क्या फॉर्म है हम लोगों का। तो एनर्जेटिकली आप नेगेटिव सोच रहे हैं और मुंह से आप पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपके लाइफ में, बहुत लोगों की लाइफ में ये पॉसिबिलिटी है कि एंजल्स के द्वारा आपको कुछ कम्युनिकेट किया जा सकता है, प्लस सडनली आपके लाइफ में कुछ अबंडेंस आने वाली है, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है, गॉसिप से बचें। या तो आप खुद गॉसिप कर रहे हैं किसी को लेकर, और या तो फिर लोग आपके बारे में कुछ गॉसिप्स कर रहे हैं, उन गॉसिप से बचने की कोशिश कीजिए। गॉसिप्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं कीजिए। कोई अगर आपके बारे में कुछ बातें करता है, करने दीजिए, डजंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जिसका जो मन करता है वो बोल देता है। तो काफ़ी लोग अच्छा बोलते हैं, काफ़ी लोग कुछ भी बोल देते हैं, तो डजंट मैटर। मैं तो देखने भी नहीं जाती कि मेरा कौन सा रिश्तेदार मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, कौन सा रिश्तेदार मेरे बारे में ख़राब बोल रहा है, कौन से रिश्तेदार को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, या कौन सा रिश्तेदार मुझसे प्यार कर रहा है। देखिए, ऑलवेज़ बी गुड फॉर एवरीवन, बाकी उनका खुद का कर्मा है। अगर वो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, भगवान उनके साथ अच्छा करेंगे। अगर वो आपके साथ ख़राब कर रहे हैं, भगवान उनको पे बैक करेंगे। आपको उसके लिए टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है, और किसी के बोलने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। भगवान ने दो कान इसीलिए दिए हैं। तो गॉसिप से बचना चाहिए, गॉसिप में इन्वॉल्व मत होइए। सो ये है आपके लिए आज की रीडिंग एंड मैसेजेस। होप आपको गाइडेंस मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो। ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।